हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं इंग्लिश की क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी एमटीएस इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास आज इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, ये रीअरेंजमेंट का है। रीअरेंजमेंट करीब 2 से 3 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के तो एमटीएस में पूछे ही जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रीअरेंजमेंट का, हमें 3 लाइंस, एक सेंटेंस है जिसके पार्ट्स हैं यहाँ पे, और इसे हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मॉडर्न ईमेल, जो हमारा टॉपिक है ये मॉडर्न ईमेल के बारे में। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर आए तो हमें क्या करना है, क्या टिप्स हमें फॉलो करनी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस टिप्स की हमें काफ़ी ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं कि हमें करना क्या। सबसे पहले तो जो फर्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है ये स्टार्ट है, यहाँ से हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना होता है। लेकिन इसमें हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं ढूंढना। पहला हमारा स्टेप क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या सेंटेंस ढूंढना होता है। लेकिन इसमें चूंकि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है फिक्स मॉडर्न ईमेल, सो ये हमें ढूंढना ही नहीं है, ये हमें नहीं ढूंढना है। हमारे पास पहले ही सिर्फ मॉडर्न ईमेल यहाँ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकंड हमें क्या करना होता है कि इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं लिंकिंग वर्ड्स ढूंढने होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स ढूंढने होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ढूंढने होते हैं। हमें कॉम्प्लीमेंट्री यानी वो दो ऐसे पेयर्स जो साथ ही आएंगे, वो अलग अलग नहीं आ सकते। अगर अलग अलग आए तो उनका मतलब कुछ और निकलेगा। एंड देन जब हम सेंटेंस को अरेंज कर लें तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल, यानी कि उसका कुछ मतलब बनता हुआ नज़र आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है मॉडर्न ईमेल यानी कि आधुनिक ईमेल जो है, और पार्ट्स है हमारे पास पी, क्यू और आर। इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑपरेट अक्रॉस दी। सो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इंटरनेट और अदर के बाद क्या आ सकता है, और अदर यहाँ पे इसको हम किससे लिंक कर सकते हैं, और अदर कंप्यूटर नेटवर्क से लिंक कर सकते हैं। इंटरनेट और अदर ऑपरेट्स अक्रॉस दी, अदर के बाद कुछ ऐसा इंटरनेट है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, और अदर के बाद भी कोई हमारा सब्जेक्ट आएगा तो हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ऑपरेट्स क्या है, वर्ब है। सो जब हमने यहाँ प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या लगाया, हमने और लगाया हुआ है और अदर। सो इस अदर को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, कोई सब्जेक्ट ही आएगा। सो क्या आ सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क आ सकता है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क आ सकता है। यानी कि अब हमें ये पता है कि पी के बाद तो क्यू ही आएगा, पी के बाद क्यू ही आएगा। यही मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमें ढूंढने हैं, पी के बाद तो डेफिनेटली क्यू आएगा और कुछ आ नहीं सकता। इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब आगे देखते हैं कि पी और क्यू तो हमेशा साथ में आएंगे। आगे देखते हैं हमारा जो मॉडर्न ईमेल, इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर हम देखें मॉडर्न नेटवर्क के, मॉडर्न ईमेल के बाद पी और क्यू को पुट करें तो मॉडर्न ईमेल, इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ तक तो सही लग रहा है, एम पी क्यू सही लग रहा है। लेकिन अगर हम इसके बाद आर डालते हैं, ऑपरेट्स अक्रॉस दी, इसके बाद हम क्या डालेंगे, ऑपरेट्स अक्रॉस दी। चलिए एक बार सेंटेंस को लिख के देखते हैं। हमारे पास क्या है, मॉडर्न ईमेल, फिर है इंटरनेट, इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमारे पास है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेट्स अक्रॉस दी, ऑपरेट्स अक्रॉस दी। हमारे पास क्या आया, ये तो हमारा पार्ट फिक्स था, ये हमारा पार्ट फिक्स था। यहाँ पे हमने क्या किया, ये पी है और ये क्यू है और ये क्या है, आर है। सो पी क्यू आर हमारे पास बना। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फिक्स के बाद पी क्यू तो सही लग रहा है, लेकिन जब यहाँ आर आ रहा है यानी कि ऑपरेट्स अक्रॉस दी, तो यहाँ सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जा रहा है, यहाँ सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है। यानी कि हमें लॉजिकल तो लग रहा है लेकिन ये कुछ मीनिंगफुल तो नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बन रहा, इसलिए आर की जगह ये गलत है। ये आर कहाँ होना चाहिए, पी क्यू के बाद नहीं आ सकता, तो पी क्यू के पहले आएगा, क्योंकि पी क्यू को तो साथ में ही आना है, पी क्यू के बीच में कोई नहीं आ सकता, पी क्यू साथ में ही आएंगे, तो आर यहाँ बाद में मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, तो आर पहले आएगा। सो आर क्या आएगा, आर पी और क्यू, हमारा क्या ऑर्डर होगा, आर पी और क्यू। चलिए एक बार इसको इरेज करके देख लो क्या क्या बन सकता है हमारे पास। जब हमने आर को अरेंज किया
पी है उसके बाद क्यू है, तो हमारे पास क्या बना, मॉडल ईमेल। उसके बाद हमने आर को रखा, ऑपरेट्स अक्रॉस दी, और फिर पी है इंटरनेट, इंटरनेट और अदर, और फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यहाँ हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जा रहा है। तो क्या बन रहा है, मीनिंगफुल बन रहा है, मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि आधुनिक ईमेल जो है ये इंटरनेट या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से ऑपरेट होता है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है ना कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है। लेकिन पहले वाले में क्या था, हम कहाँ ख़त्म कर रहे थे, ऑपरेट्स अक्रॉस द पे ख़त्म कर रहे थे, द के बाद तो कुछ आना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था कि हम इसे फिल करते। सो ये सेंटेंस जो था वो इनकम्प्लीट था और यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हुआ। सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आर पी एंड क्यू, आर पी एंड क्यू, यानी कि हमारा ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा, आर पी एंड क्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास रीअरेंजमेंट का ही है, ये भी क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है। जो तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले सीखा है हम उसे अप्लाई करेंगे, जो हमने पहले सीखा है उसे अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, फिक्स्ड वर्ड है हमारे पास द मोस्ट फ्राइटनिंग, यानी कि सबसे डरावना, सबसे डरावना, द मोस्ट फ्राइटनिंग यानी कि सबसे डरावना। चलिए पार्ट्स को पढ़ते, पी क्यू और आर है हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास, पी क्यू और आर है। Is that it is likely to aspect of malnutrition cause permanent brain damage? The most frightening, सबसे डरावना क्या है, सबसे डरावना, the most frightening is that it is likely to, अच्छा यहाँ पे हमें ये भी सही लग रहा है कि most frightening के बाद P वाला part आ जाएगा, is that it is likely to, अब to के बाद यहाँ to है तो कोई base verb आएगा, तो टू के बाद एस्पेक्ट तो नहीं आ सकता, ये वर्ब नहीं है, एस्पेक्ट नहीं आ सकता ये, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, और यहाँ पे टू के बाद कोई बेस वर्ब आएगा, एस्पेक्ट हमारा वर्ब नहीं है। सो कॉज आ सकते हैं, कॉज हमारा क्या है, वर्ब है, यानी किसी चीज़ का कारण कर रहा है। सो अगर हम आर के पी के बाद आर को रखें, और फिर तो हमारा क्या बच गया, क्यू बच गया, क्यू बच गया, हमारा ये अरेंजमेंट लग रहा है। लेकिन अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, द मोस्ट फ्राइटनिंग, चलिए इसको एक बार अरेंज करके देख लेते, द मोस्ट फ्राइटनिंग, उसके बाद हमने क्या किया, पी को किया, इज दैट इट इज लाइकली, और फिर हमने क्या किया, आर को किया, लाइकली कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज, और फिर हमारे पास क्या बच गया, एस्पेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन, एस्पेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन। सो ये हमारा अरेंजमेंट होने के बाद आया है, लेकिन क्या ये सही है, द मोस्ट फ्राइटनिंग इज दैट, यहाँ तक तो सेंटेंस सही लग रहा है, इस फ्राइटनिंग के बाद इज आ सकता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन इसके बाद जब हम सारे पार्ट्स को डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका सही मतलब नहीं बनता। एंड अगेन यहाँ लाइकली के बाद कॉज नहीं आ सकता, लाइकली के बाद कॉज गलत है। सो ये क्या है हमारा, ये मीनिंगलेस है। कभी कभी क्या होता है कि आगे आने वाला सेंटेंस जो होता है वो हमें सही लगता है, इज़ दैट इट इज़ लाइकली, ये हमें सही लगता है, हम इस पर पूरे श्योर होते हैं कि इसके बाद तो यही होगा, लेकिन आगे जाके वो सारे अरेंजमेंट को रॉन्ग कर देता है। सो ये गलती हमें नहीं करनी है। चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट जो हमारा क्या होगा सीक्वेंस, इसका करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए द मोस्ट फ्राइटनिंग, द मोस्ट फ्राइटनिंग, एंड देन द मोस्ट फ्राइटनिंग एस्पेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन, एस्पेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन, एस्पेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन इज दैट इट इज लाइकली टू, इज दैट इट इज likely to cause permanent brain damage, again two है और two के बाद क्या आएगा हमारा, base verb आएगा, cause permanent brain damage,
सो हमारा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे जो फिक्स सीक्वेंस है उसके बाद हमारे पास क्यू आ रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास आर आ रहा है, यानी कि हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्यू पी और आर बन रहा है, ना कि पी आर क्यू. द मोस्ट फ्राइटनिंग एस्पेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन इज दैट इट इज लाइकली टू कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज. यानी कि मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण जो है, द मोस्ट फ्राइटनिंग एस्पेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन, सबसे डरावना इफेक्ट मैल न्यूट्रिशन का यानी कि कुपोषण का सबसे डरावना इफेक्ट ये है कि ये क्या कर सकता है, लाइकली टू है यानी कि संभावित है कि परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाए उस वजह से. मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से सही न्यूट्रिशन ना मिलने से उसका सबसे डरावना इफेक्ट क्या है कि परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाए. सो हमारा ये जो सेंटेंस है ये कैसा बन रहा है, ये बिल्कुल मीनिंगफुल बन रहा है. पहला वाला जो हमने बनाया था, अरेंज किया था, वो क्या था, वो मीनिंगलेस था. एंड में जाके शुरू में वो सही लग रहा था, लेकिन एंड में जाके उसका मतलब खराब हो जा रहा था, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, वो मीनिंगलेस था. लेकिन ये हमारा मीनिंगफुल है. सो करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा, क्यू पी एंड आर हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन थ्री क्यू पी एंड आर हमारा करेक्ट अरेंजमेंट होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है हमारे पास फिलर, और ये फिलर्स जो है सिंगल फिलर्स है, लेकिन ये पैराग्राफ में दिए हुए हैं. पैराग्राफ को हमें पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर हमें डिसाइड करना है कि क्या हो. चलिए देखते हैं किसको कैसे करेंगे. हमारे पास जो पैराग्राफ है वो है, अ मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश पर्सन इन द लाइफ ऑफ एवरीवन. ये मदर के बारे में है, एक माँ जो होती है वो डैश होती है, मोस्ट डैश पर्सन, बहुत डैश पर्सन होती है सभी की ज़िंदगी में. अबाउट विच वी कैन नॉट डैश कम्प्लीटली वर्ड्स, जिसके बारे में हम शब्दों में कम्प्लीटली क्या नहीं कर सकते हैं. सो हाउ एवर सम ऑफ दी डैश मोमेंट्स विथ आवर मदर, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स जो हमने हमारी माँ के साथ बिताए हैं उन्हें डिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी उन्हें उनका वर्णन किया जा सकता है. अ मदर इज़ डैश मोस्ट ब्यूटिफुल, एक माँ जो होती है वो सबसे खूबसूरत और केयरिंग पर्सन होती है हमारी ज़िंदगी में, यानी कि माँ जो होती है सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा देखभाल करने वाली इंसान होती है हमारी ज़िंदगी में. सी ऑलवेज केयर्स एवरी मोमेंट फॉर आर एवरी नीड विदाउट हर एनी डैश इंटेंशन. वो हमेशा हमारी हर पल में वो हमारी ज़रूरतों के बारे में सोचती है, हमारी ज़रूरतों के लिए परवाह करती है, विदाउट एनी यानी कि बिना भी किसी डैश इंटेंशन भावना के. इन द मॉर्निंग शी कॉल्स अस वेरी सॉफ्टली टू गेट अ राइज फ्रॉम द बेड, एंड ड्यूरिंग द नाइट शी टेल्स अस लवली स्टोरीज टू मेक अस स्लीप विद अ ब्यूटीफुल ड्रीम. वैसे इस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ फील नहीं करना, लेकिन एक बार मैं इसका मतलब समझा दूँ आप लोगों को. सुबह में वो हमें बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से बेड से उठने के लिए बोलती है, बेड से उठने के लिए बोलती है, और फिर रात में वो क्या करती है, हमें प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती है ताकि हम अच्छे सपनों के साथ सो जाए. सो ये हमारा पैराग्राफ है, और इसमें जो भी फिलर्स दिए हुए ये हमें फिल करना है. तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या फिल कर सकते हैं. सो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, जो फिलर है वो क्या है, अ मदर इज़ द मोस्ट डैश पर्सन, अ मदर इज़ द मोस्ट डैश पर्सन. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ मोस्ट है, यानी कि ये मोस्ट लगा हुआ है, यानी कि ये किसी का सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है. और सुपरलेटिव क्या हो सकता है, ये सुपरलेटिव के बाद कोई एडजेक्टिव वर्ड आएगा. सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं. सो यहाँ पे मोस्ट आएगा, इस मोस्ट ने ये इंडिकेट कर दिया कि ये ब्लैंक में आने वाला जो वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. इस ब्लैंक में आने वाला हमारा वर्ड एडजेक्टिव होगा. तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. हमारे पास है प्रिकेरियस, हमारे पास है प्रिकेरियस. सेकेंड वर्ड है हमारे पास पोएटिक. थर्ड वर्ड है हमारे पास precious, and fourth word that we have is dependent. So the first word is precarious. Precarious का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो chance पे dependent हो, uncertain हो, कभी भी ख़त्म हो सकता हो, उसे हम uncertain बोलते हैं. uncertain यानी precarious, जिसका कुछ तय ना हो कि वो कब तक रहने वाला है. अगेन नेक्स्ट है poetic. poetic यानी कि जो poem होती है, कविताएँ होती है, काफ़ी poetic सा है, कविताओं जैसा है, तो ये poetic हुआ. थर्ड प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, बहुत वैल्यूएबल. प्रीशियस का मतलब होता है बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो. इनफैक्ट इसका मतलब होता है अमूल्य, ठीक है. आगे देखते हैं, आगे डिपेंडेंट. डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड करता हो, जो किसी पे डिपेंड कर रहा हो, किसी पे निर्भर हो, उसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं.
सो अ मदर इज द मोस्ट डैश पर्सन. एक तो बात है कि ये पैराग्राफ मदर के बारे में है, तो यहाँ पे जो आने वाला वर्ड होगा कोई पॉजिटिव वर्ड होगा. माँ के बारे में सारी माँ की अच्छाइयाँ इसमें दी गई हैं. माँ तो ऑब्वियसली अच्छी ही होती है, लेकिन इसमें माँ के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं. तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा. सो अनसर्टेन यानी कि जिसका कुछ तय ना हो, कभी भी वो ख़त्म हो सकता है, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं हो सकता. पोएटिक तो अच्छा है, लेकिन पर्सन के लिए क्या हम पोएटिक यूज़ कर सकते हैं? इमोशन के लिए पोएटिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन के लिए पोएटिक यूज़ नहीं कर सकते. अगेन हमारे पास थर्ड वर्ड जो है प्रीशियस. अ मदर इज़ द मोस्ट प्रीशियस पर्सन. माँ जो होती है हमारी ज़िंदगी की सबसे अमूल्य पर्सन होती है. सो ये प्रीशियस यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है लॉजिकली और ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली. ये बिल्कुल सही है कि अ मदर इज़ द मोस्ट प्रीशियस पर्सन. और डिपेंडेंट अगेन निर्भर. माँ किस पे डिपेंडेंट होती है? माँ तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, हम ही लोग माँ पे डिपेंडेंट होते हैं इनफैक्ट. सो यहाँ पे डिपेंडेंट को भी लाना गलत होगा. सो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? प्रीशियस. अ मदर इज़ द मोस्ट प्रीशियस पर्सन. माँ जो होती है काफ़ी अमूल्य वैल्यूएबल होती है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, प्रीशियस. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which we cannot dash completely. चलिए इसको करने के लिए हम आगे पैराग्राफ में देखते हैं. हमारे पास पैराग्राफ में क्या है? अ मदर इज़ द मोस्ट, यहाँ पे हमने क्या किया? प्रीशियस किया. प्रीशियस पर्सन इन द लाइफ ऑफ एवरी वन अबाउट विच वी कैन नॉट डैश कम्प्लीटली इन वर्ड्स. अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें कम्प्लीटली तक ही था. आगे देखें तो कम्प्लीटली इन वर्ड्स, कम्प्लीटली इन वर्ड्स. चलिए क्वेश्चन में आते हैं. विच वी कैन नॉट डैश कम्प्लीटली इन वर्ड्स, यानी कि हम उसको माँ के बारे में वी कैन नॉट डैश कम्प्लीटली शब्दों में. हम शब्दों में पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? हम शब्दों में पूरी तरह से किसी को बयां कर सकते हैं, ये एक्चुअली उर्दू वर्ड है. और आगे इसके लिए हिंदी वर्ड है वर्णन कर सकते हैं. सो इसका कोई इंग्लिश वर्ड यहाँ पे आएगा. शब्दों में हम क्या कर सकते हैं? शब्दों में किसी के बारे में हम कुछ वर्णन कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ बयां कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ बता सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है. हमारे पास दो ऑप्शन है. द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज़ डिस्क्राइब. डिस्क्राइब करने का मतलब होता है वर्णन करना, बयां करना. सो ब्लैंक में तो हमारे यही आना चाहिए. आगे देख लेते हैं. राइट, लिख सकते हैं. अब माँ के बारे में हम लिख तो बिल्कुल सकते हैं, बहुत लोगों ने लिखा है. स्पीक, बोल भी सकते हैं. लिसन, सुन भी सकते हैं. यानी कि लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं. लेकिन लॉजिकली यहाँ क्या सही होगा? ये लिखना, सुनना, बोलना, हम क्या लिखेंगे उनके बारे में? उनका वर्णन करेंगे. सो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होगा? डिस्क्राइब होगा. यानी कि हम माँ के बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में वर्णन डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1, डिस्क्राइब. चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउएवर सम ऑफ द डैश मोमेंट्स. चलिए क्वेश्चन में आते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास पैराग्राफ है, हाउएवर सम ऑफ द डैश मोमेंट्स विथ आवर मदर कैन बी डिस्क्राइब. हम माँ के बारे में शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन सम ऑफ द कुछ जो मोमेंट्स हमने बिताए हैं अपनी माँ के साथ वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. कुछ जो पल, कुछ जो क्षण हमने अपनी माँ के साथ बिताए हैं उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो आने वाला वर्ड होगा ना, ये किसके लिए आएगा? ये मोमेंट के लिए आएगा. ये मोमेंट के लिए आएगा. मोमेंट्स हमारा यहाँ पे क्या है? मोमेंट्स हमारा हो जाएगा नाउन. और इसके लिए आने वाला कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा. इसके लिए आने वाला, इसे जस्टिफाई करने वाला कोई वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा. तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है. द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज वैल्यूलेस, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो, जो बिल्कुल कीमती ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वो वैल्यूलेस हुआ. वैल्यूएबल यानी कि कीमती, जिसकी वैल्यू हो, बहुत वैल्यू हो. चेक्ड यानी कि चेक किया हुआ. एंड फिल्टर्ड यानी कि फिल्टर किया हुआ. सो यहाँ पे मोमेंट्स के लिए क्या आ सकता है? अगेन जो क्षण हमने अपनी माँ के साथ बिताए हैं वो अच्छे होंगे. सो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड ही आएगा. यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड ही आएगा. सो क्या आ सकता है? सम ऑफ द चेक्ड. अगेन ये चेक्ड क्या है? ये पास्ट है. सो हमें तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए. ये भी पास्ट है. सो हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए. तो ये दोनों तो बिल्कुल रॉन्ग हो गए. ये दोनों तो नहीं आएंगे. अब आ क्या सकता है? वैल्यूलेस या वैल्यूएबल. सो वैल्यूलेस यानी कि हमने जो माँ के साथ क्षण बिताए हैं, माँ के साथ जो मोमेंट्स हमने गुजारे हैं, क्या वो वैल्यूलेस है? क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? सो मैंने अभी यहाँ बताया था कि यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा. सो वैल्यूलेस क्या है? नेगेटिव है. ये नहीं आ सकता. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? वैल्यूएबल.
मोमेंट्स कैसे हो सकते हैं? मोमेंट्स जो हमने किसी के साथ बिताए हैं वो वैल्यूएबल हो सकते हैं, कीमती हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वैल्यूएबल होगा, यानी कि हाउएवर सम ऑफ द वैल्यूएबल मोमेंट्स जो हमने अपनी माँ के साथ बिताए हैं वो उन्हें डिस्क्राइब किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अ मदर इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है? ये हमारा सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हमारा ब्यूटीफुल है और इसकी ये सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? द ऑप्शंस दैट वी हैव आर ऑल आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स हैं। द है, ए है, एन है, माई है। इसके लिए क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि जब भी सुपरलेटिव फॉर्म होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसके साथ कौन सा आर्टिकल आता है? इसके साथ केवल और केवल द आ सकता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ केवल और केवल द आ सकता है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे द होगा। अ मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे अ, एन और माई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, इसके साथ केवल और केवल द ही आएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, द। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड विदाउट हर एनी डैश इंटेंशन। ऑप्शन है पब्लिक, ऑफिशियल, कस्टमाइज्ड, पर्सनल। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में ये कहाँ है। हमारे पास है शी ऑलवेज केयर्स एवरी मोमेंट फॉर आर एवरी नीड विदाउट हर एनी डैश इंटेंशन। माँ जो है, माँ के बारे में कहा जा रहा है, ये शी जो है माँ के लिए आया, शी ऑलवेज केयर्स, माँ जो है वो हमेशा परवाह करती हैं, हर एक क्षण में वो हमारे लिए ही परवाह करती हैं, हमारी ज़रूरतों के लिए परवाह करती है। विदाउट हर एनी, बिना किसी भावना के, बिना किसी अपनी ऐसी भावना के। तो यहाँ पे इंटेंशन यानी भावना के लिए क्या आ सकता है यही हमें देखना है। भावना कैसी हो सकती है? भावना पब्लिक हो सकती है, ऑफिशियल भावना। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इमोशन है, ठीक है, फीलिंग है। इंटेंशन का मतलब इमोशन, फीलिंग या डिज़ायर, ठीक है। तो ये डिज़ायर कैसी? पब्लिक डिज़ायर, ऑफिशियल डिज़ायर, कस्टमाइज्ड डिज़ायर। कस्टमाइज्ड एंड ऑफिशियल सिमिलर है मीनिंग में, और पब्लिक जो सबके लिए हो, या फिर पर्सनल। यहाँ पे आने वाला वर्ड होगा पर्सनल, यानी कि माँ को अपनी कोई पर्सनल, व्यक्तिगत कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती है, भावना नहीं होती है, जिस वजह से वो हमारे लिए परवाह करती हैं, वो हमारे लिए केयर करती है। ये उनका प्यार होता है कि वो हमारे लिए केयर करती है, हमारी इतनी परवाह करती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा वो क्या होगा? पर्सनल आएगा। ऑप्शन फोर हमारा पर्सनल करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि हमें ऑपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स बताने हैं, CHSL हो, CGL हो या फिर MTS हो। करीब चार ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं जिसमें हमें या तो सिमिलर मीनिंग यानी कि साइनोनिम्स बताने हो, एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट मीनिंग्स बताने हो, या फिर idioms और phrases, करीब चार ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। हमारे पास जो वर्ड गिवन है दैट इज चेरिश। हमारे पास जो वर्ड गिवन है चेरिश। चेरिश करने का मतलब किसी को वेलकम करना, किसी को खुश करना। चेरिश करने का मतलब वो होता है जब हम किसी को खुशी से वेलकम करते हैं किसी चीज़ के लिए, दैट वी आर चेरिशिंग देम। हम टीम्स को क्या करते हैं? जो टीम्स होती हैं कोई भी गेम्स की हो, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे फुटबॉल की हो, उन्हें चेरिश करते हैं, उन्हें और प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। तो हमारे पास और क्या क्या वर्ड्स है? अबैंडन, एडमायर, नरिश, शेल्टर। और हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम निकालना है, यानी इसके उल्टा मतलब वाला। अब देख लेते कि ऑप्शंस में क्या क्या, ऑप्शंस का मतलब क्या क्या। हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह, अ प्लेस टू लिव, उसे हम शेल्टर बोलते हैं। नरिश का मतलब होता है पोषण देना, किसी को पोषण देना नरिश का मतलब होता है। तो इसका तो चेरिश से कोई लेना देना नहीं है। एडमायर का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। हम किसी को काफ़ी पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसे एडमायर करते हैं। एंड देन द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, मतलब किसी से अबैंडन कर देना, उससे परहेज कर लेना, उससे परहेज कर लेना, उसके बारे में नहीं सोचना, हमने उसे अबैंडन कर दिया, यानी अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे जो चेरिश का हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को वेलकम कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी से बिल्कुल भी मतलब नहीं रख रहे, उसे परहेज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा? इसका जो एंटोनिम होगा वो अबैंडन होगा, यानी कि ऑप्शन वन अबैंडन।
सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन, अबैंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इडियोम एंड फ्रेज की मीनिंग हमें बतानी है। हमसे पूछा गया इडियोम एंड फ्रेज, एक इडियोम या फ्रेज हमें गिवन होता है और उसकी मतलब हमें बतानी होती है। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्राई डाउन, क्राई डाउन। चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज टू डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, उसमें रिडक्शन होता है, डिक्रीज होता है, तो हम डिप्रिशिएट करते हैं। जैसे किसी कंपनी की वैल्यू है, वो काफ़ी कंपनी फेमस है और अब वो डिप्रिशिएट हो रही है, यानी कि कम हो रही है, तो वो डिप्रिशिएट हो रही है, रिड्यूस हो रही है। आगे है जेलसी। जेलसी का मतलब जलन, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना। स्पेंडिंग डिलिजेंटली, स्पेंडिंग डिलिजेंटली का मतलब होता है अच्छे से खर्च करना। जो लोग बहुत एक्सपेंसिव लग्जूरियस, अच्छे से डिलिजेंटली खर्च करना। थिंक क्रिएटिवली, थिंक क्रिएटिवली यानी कि क्रिएटिव होकर सोचना, हम क्रिएटिव तरीके से कैसे इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं, उसे थिंक क्रिएटिवली का मतलब ये होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्राई डाउन, ये क्राई डाउन, अब यहाँ पे इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फ्रेज होते हैं जिनका मतलब हम नहीं पता कर सकते, लेकिन इस वर्ड में क्या दिया हुआ है, क्राई डाउन। कोई चीज़ डाउन हो रहा है यानी कि वो नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, डिप्रिशिएट होगा। डिप्रिशिएट यानी कि उसमें रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो हमारा जो क्राई डाउन है, जो हमें गिवन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू डिप्रिशिएट। इसका आंसर होगा टू डिप्रिशिएट। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, क्राई डाउन, ये क्या हो रहा है, डाउन नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, टू डिप्रिशिएट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, ये है हमें सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज निकालना है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बहुत जल्द ही आपके लिए जो एक्सपेक्टेड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी वीडियो आने वाला है। सो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास वर्ड गिवन है। हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो है वन हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन। वन हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन यानी कि वो जो हमें दवाइयाँ लेने की सलाह देता है, प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि वो हमें बताता है कि हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन हम किसे बोलते हैं? ऑप्टिशियन हम बोलते हैं जो लेंस से रिलेटेड काम करता है, यानी जो चश्मे से रिलेटेड काम करता है ना, जो हमारे चश्मे बनाता है, उसे हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। पॉलिटिशियन, ये तो पता ही होगा आपको, राजनीतिज्ञ, हाँ, जो राजनीति में हो, जो पॉलिटी में हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन, राजनेता भी इसे बोल सकते हैं। और हमारे पास ब्यूटिशियन यानी कि जो ब्यूटी से रिलेटेड काम करती हो, जो ब्यूटी का काम करती हो, उसे हम ब्यूटिशियन बोलते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज फिजिशियन। ये फिजिशियन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, लेकिन नहीं, ये फिजिक्स से रिलेटेड वाले फिजिशियन नहीं है। इसी फिजिशियन को हम, ये फिजिशियन ऐसा डॉक्टर होता है, ये फिजिशियन ऐसा डॉक्टर होता है जो हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, जो हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन फोर, फिजिशियन। फिजिशियन ही हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, दवाइयाँ लेने की सलाह देता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, फिजिशियन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है एरर डिटेक्शन का। करीब 2 से 3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के भी एमटीएस में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। और हमें इस पूरे सेंटेंस में एरर नहीं बताना, ये जो पार्ट है ना, जो ब्रैकेटेड है इट्स, हमें केवल इसमें एरर बताना है। इस पार्ट में हमें ये बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, और अगर ये गलत है तो इनमें से ऑप्शन में क्या होना चाहिए, और अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट को भी हम टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। क्वेश्चन, जो सेंटेंस का सेंस है वो हमें ये बता रहा है कि जूरी यानी कि जो जज करने वाले लोग होते हैं, जो फैसला लेने वाले मेंबर्स हैं, उन्हें हम जूरी बोलते हैं। वो जो मेंबर्स हैं वो किस में डिवाइडेड हैं, वो अपने फैसले में डिवाइडेड हैं, यानी कि उनका मत सेम नहीं है, उनका डिसीजन सेम नहीं है। कुछ जूरी कुछ कह रहे हैं, कुछ जूरी कुछ और बात कह रहे हैं, उनका जो डिसीजन है वो सेम नहीं। हमारा सेंटेंस का सेंस यही कह रहा है। चलिए देखते हैं कि एरर क्या है। द जूरी वर डिवाइडेड, ये वर किसके लिए आया है, ये जूरी के लिए आया है। सो ये तो पार्ट ही हमारा करेक्ट है, हमें एरर ढूंढना है यहाँ इट्स में।
क्या इट्स यहाँ सही है? ये इट्स किसके लिए आया है? जूरी के लिए आया है। ये इट्स भी जूरी के लिए आया है। जूरी क्या है? हमारा जूरी क्या है? प्लूरल है। इट्स क्या है? प्लूरल है। पर यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो प्रोनाउन है, ये इट्स प्रोनाउन ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जूरी क्या है? जूरी कुछ लोग हैं जो किसी फैसले पर विचार कर रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है तो इट्स यहाँ गलत होगा। यहाँ पे जो करेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देयर। यहाँ पे जो करेक्ट प्रोनाउन होगा वो देयर होगा, और जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। जूरी जो है वो अपने फैसले में डिवाइडेड है, विभाजित है, यानी उनका एक मत नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट प्रोनाउन फिल होगा वो होगा देयर, ना कि इट्स। इट्स हमारा गलत होगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर का ही है, और यहाँ हमें इस पार्ट में यानी कि मी वाले पार्ट में एरर ढूंढना है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस है, एवरीबडी वॉज देयर एक्सेप्ट मी। एवरीबडी वॉज देयर, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, सभी लोग वहाँ थे एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर सभी लोग वहाँ थे। सो यहाँ मी के लिए क्या आ सकता है? मी के लिए क्या आ सकता है? मी के लिए हमारे पास क्या क्या है? सब्स्टिट्यूशन आई है, माई है, माइन है। सो माइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। माइन क्या है? पोजेसिव है। माई भी नहीं हो सकता। आई, एवरीबडी वॉज देयर एक्सेप्ट आई। सो जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो, सी हो, ही हो, और किसी एक व्यक्ति के बारे में कंपैरिजन है, तो आई आ सकता है। लेकिन यहाँ कंपैरिजन किससे? एवरीबडी, सबसे है, और फिर एक बंदा यहाँ पे। सो यहाँ पे मी बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन, नो इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे मी बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, नो इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इन सारे क्वेश्चंस को समझा और उन पे प्रैक्टिस की हो। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा टारगेट 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट हम बिल्कुल ही अचीव कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।